आज हम दूसरी यूनिट के तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे और तीसरे लेसन का नाम है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका गठन कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि हमें विदित है कि भारत में आपतय एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। पद सोपान के रूप में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 इस बात का प्रावधान करता है कि भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियां अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में निहित है। तो भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियां अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, क्योंकि भारत में पिरामिड के रूप में न्यायपालिका को अपनाया गया है। पिरामिड के रूप में जिसके शीर्ष स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे काम करती है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे काम करती है अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय को दो भागों में बांटा गया है, दीवानी और फौजदारी। चल और अचल संपत्ति से जुड़े विवाद दीवानी, और लड़ाई झगड़े हत्या लूटपाट से संबंध झगड़े होते हैं वो फौजदारी विवाद कहलाते हैं। तो हम यानी आम नागरिक किसी भी दीवानी या अधीनस्थ फौजदारी अगर रूप से उसको अन्याय या पीड़ा सहन करनी पड़ी है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यदि संतुष्ट नहीं होता है तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ पर कर सकता है? जिला न्यायालय में कर सकता है। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय में कर सकता है। और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर यानी सबसे बड़ी यानी उच्चतम न्यायालय है। तो पद सोपान के रूप में सबसे शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे काम करती है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय काम करती है। अपील की हम बात करें तो जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो स्पष्ट दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका वास्तव में विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार सरकार के किस अंग को दिया गया है? और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सरकार के किस अंग पर है? तो इसका आंसर आएगा न्यायपालिका पर है। आगे दे रखा है अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति और समूह और सरकार के मध्य विवाद उठते रहते हैं और इन विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। इसके अलावा कानून के शासन की स्थापना न्यायपालिका करती है, जिसमें कानून के शासन से तात्पर्य कि जिसमें विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, उसमें व्यक्ति बड़ा नहीं बल्कि कौन होता है? कानून बड़ा होता है, और कानून सभी व्यक्तियों की समान रूप से रक्षा करता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, अमीर गरीब इत्यादि कार्य पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये विधि के शासन की स्थापना और रक्षा का दायित्व न्यायपालिका उठाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो इसको मैं बिंदु बनाकर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मैंने आपको पहले बताया सरकार के तीन अंग होते हैं,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम व्यवस्थापिका का अध्ययन संसद के रूप में कर चुके हैं, कार्यपालिका का अध्ययन हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में कर चुके हैं, और अब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल शीर्ष स्तर की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख करेंगे। तो सबसे प्रथम मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संघ की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वे अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का तात्पर्य कि ऐसी न्यायपालिका जो बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करे, उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बोलेंगे। तो भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। तो प्रश्न ये चार नंबर तक भी जा सकता है, छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला इसमें आएगा संविधान की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए सरकार के सभी अंग सभी संस्थाएं न्याय यानी संविधान से शक्तियाँ ग्रहण करती है। तो कोई अंग सरकार का, कोई अंग, कोई संस्था संविधान के विपरीत नहीं जाए, इसलिए इसकी जिम्मेदारी यानी संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है कानूनों की व्याख्या करके, समय समय पर कानूनों की या संविधान की व्याख्या करके एक न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। ऐसे कानून संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए ऐसे नियम जो संविधान के विपरीत होते हैं, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से ऐसे कानूनों को निरस्त करके संविधान की रक्षा करती है। इसलिए संविधान की व्याख्या करने और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। दूसरे हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और ये मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा रक्षित हैं, न्यायालय द्वारा रक्षित है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या सरकार के द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वह नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका की शरण ले सकता है, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं, जिनके नाम हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कानून के शासन या विधि के शासन की स्थापना करने के लिए, कानून के शासन की स्थापना एवं रक्षा हेतु। विधि का शासन अभी आपको बताया गया कि विधि के शासन से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होते हैं और कानून सभी व्यक्तियों की समान रूप से रक्षा
करता है, यानी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान कानून के माध्यम से किया गया है। इसमें व्यक्ति बड़ा नहीं होता बल्कि पद बड़ा होता है, इसलिए विधि की शासन की स्थापना स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा ही आपको तय कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण जैसे प्रावधानों का पालन करवाया जाता है। इसकी स्थापना और रक्षा हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान भारत में किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे संघीय ढांचे की रक्षा। संघीय ढांचे की रक्षा, यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है कि संघ सूची के 97 विषयों पर कानून संसद बनाएगी और राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाएंगे। समवर्ती सूची के 52 विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाएंगे, किंतु विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट विषय किनको बोलेंगे, जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत में संसद को दिया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, किंतु यदि इनके मध्य किसी भी अधिकार क्षेत्र को लेकर किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करने के लिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान के चार प्रमुख कारण हैं। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, तीसरा मैंने आपको बताया विधि के शासन की स्थापना करने हेतु, और चौथा इम्पोर्टेंट कारण है कि भारत में संघीय ढांचे की रक्षा हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अब अगला जो प्रश्न ये उठता है कि भाई भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान कैसे किया गया है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। एक प्रश्न ये बन सकता है या ऐसा पूछ सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित किया गया है भारतीय संविधान के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसमें भी चार बिंदु बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए हम बताएंगे आपको कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर्याप्त योग्यता के आधार पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा की जाती है। इसलिए आपको बताया न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। यहाँ भी एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति केवल उनकी नियुक्ति कर सकता है, उनको हटा नहीं सकता। इसलिए भी आपको तय भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। दूसरा हम बात करेंगे इनको पर्याप्त वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। पर्याप्त वेतन भत्ते और सुविधाएं,
न्यायाधीश रहते समय अपने पद का दुरुपयोग ना करें, इसलिए उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जाती है। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,90,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। और इसके अलावा अन्य सुविधाएं जिसमें आवास की सुविधा है, गाड़ी की सुविधाएं और उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,70,000 या के समथिंग उनको वेतन भत्ता वेतन दिया जाता है तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे कार्यकाल की सुरक्षा। उनका पद सुरक्षित होता है, कार्यकाल की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इस अवधि से पूर्व उन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है जो संसद के द्वारा लगाई जाती है और वे भी न्यायाधीशों के ऊपर किस आधार पर लगाई जाती है, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार व असक्षमता के आधार पर, असक्षमता के आधार पर। तो न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इस अवधि से पूर्व उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। उसके लिए आपको बताएं कि जो जिस सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग के प्रस्ताव पर होने चाहिए और जिस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। 14 दिन के पश्चात जिस सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है यदि वे उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है और यदि दूसरे सदन में भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति मोदी के पास जाता है और राष्ट्रपति मोदी संबंधित न्यायाधीश को बर्खास्त कर देता है। तो ये कुल मिला के ये बात है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया आसान नहीं है, अत्यधिक कठिन है और ये महाभियोग का प्रस्ताव केवल सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर ही लाया जा सकता है, इसलिए उनको कार्यकाल की सुरक्षा है। उसके बाद हम चौथी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अवकाश प्राप्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उसके अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीश
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान बिल्कुल निष्पक्ष रहे। और इसके अलावा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी जिन न्यायालयों में न्यायाधीश रहा है उनको छोड़कर और उनको छोड़कर अन्य न्यायालयों में तथा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो ये चार प्रमुख प्रावधान हैं जिनके माध्यम से ये सुनिश्चित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। अब हम जो हमने चार बिंदु के माध्यम से अध्ययन कर लिया कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो मैंने आपको चार प्रमुख प्रावधान बताए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर्याप्त योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद दूसरा प्रावधान मैंने आपको बताया कि न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन भत्ते और सुविधाएँ मिलती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित रहता है। और चौथा मैंने आपको बताया कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात आपको बताया न्यायाधीशों के वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पांचवी महत्वपूर्ण बात बताई कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसके माध्यम से वे संविधान की रक्षा करता है। तो हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है इस प्रकार हमने आपको बता दिया चार पांच बिंदुओं के माध्यम से। अब मैंने आपको न्यायाधीशों किस प्रक्रिया से हटाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद दोबारा से इसको और देख लेते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ, इसके अलावा इसमें कुछ बात और जोड़ रखे जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकता। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लंबित हो। मैं आपको अनुच्छेद के हिसाब से बता देता हूँ। अनुच्छेद 121 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संसद में न्यायाधीश के आचरण के संबंध में महाभियोग के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य आधार पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, यानी किस में नहीं की जा सकती, संसद में न्यायाधीश के आचरण पर, किसके न्यायाधीश के आचरण पर, न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। चर्चा केवल उस समय की जा सकती है जब महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो। इसके अलावा अनुच्छेद 211 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि न्यायाधीशों के आचरण पर राज्यों के विधानमंडलों में या विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। केवल एक ही परिस्थिति में चर्चा की जा सकती है जब महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो। उसके बाद हम आगे बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले आपको न्यायाधीशों के संगठन के बारे में बताते हैं। न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय पालिका का संगठन, तो संगठन के बारे में हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस यानी CJI, मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद द्वारा
निर्धारित संसद द्वारा निर्धारित संख्या में न्यायाधीश होंगे। यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान किया गया संगठन में कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की गई संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। तो मूल संविधान में जब प्रारंभ में तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीशों की संख्या उस समय टोटल कितनी थी, 8, और वर्तमान समय में कितनी है, 1+33 अर्थात 34। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान किया गया मुख्य न्यायाधीश को के अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की गई संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। तो मूल संविधान में कितने थे प्रारंभ में, 8, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश, और वर्तमान समय में कितने, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कौन थे प्रथम, जस्टिस हीरालाल कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और वर्तमान समय में कौन है, वर्तमान में है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो ये वर्तमान समय में भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब हम बात करेंगे कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के CJI की नियुक्ति की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति। नियुक्ति में आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में, वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसको समझेंगे, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में। कार्यकाल के आधार पर जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, यद्यपि एक या दो बार इसका उल्लंघन भी किया है। सर्वप्रथम इसका उल्लंघन किया गया 1973 में कि जब श्री अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जबकि वे कनिष्ठ थे। वरिष्ठ कौन कौन थे, न्यायमूर्ति हेगड़े, न्यायमूर्ति सेलेट और न्यायमूर्ति ग्रोवर। इनमें से, क्योंकि ये तीनों वरिष्ठ थे, इनमें से किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी भी मुख्य न्यायाधीश, किसको भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, जबकि कनिष्ठ न्यायाधीश श्री अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो उसके विरोध में, क्योंकि हेगड़े सेलेट और ग्रोवर न्यायाधीश की जो वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था, इसलिए इन्होंने इनके विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा जब श्री रे अजीत नाथ रे सेवानिवृत्त हो गए, तो आपको पता है श्री HM बेग को बनाया गया, श्री HM बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ये भी कनिष्ठ थे। और इस, क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति एच आर खन्ना थे, तो न्यायमूर्ति HR खन्ना ने भी वरिष्ठता के उल्लंघन पर त्याग पत्र दिया। उसके बाद से ये परंपरा बनकर उभरी है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में ही
आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए। तो वर्तमान समय में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में ही आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आज हमने केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक का अध्ययन किया है, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे।